क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इकदाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अन मुताबिक हैं? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजीम शेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमने इस टॉपिक पर डिस्कशन करना कि क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इकदाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अन मुताबिक हैं। कॉन्टेजियस डिजीजेस यानी कि वबाई अमराज से बचाव के लिए दो तिब्बी तदाबीर बहुत अहमियत की हामिल है। एक होती है आइसोलेशन और दूसरी होती है क्वारंटीन। आइसोलेशन से मुराद होती है कि वबाई अमराज में मुब्तला लोगों को सेहतमंद लोगों के इलाके में जाने से रोका जाए, और क्वारंटीन से मुराद होती है कि सेहतमंद अशखास को बीमारों के इलाके से दूर रखा जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के प्रोफेसर रॉजर मैग्नसन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट एडवांसिंग द राइट्स टू हेल्थ द वाइटल रोल ऑफ लॉ के पेज नंबर 160 पर लिखते हैं कि पब्लिक हेल्थ के कानून के जरिए किसी भी वबाई मर्ज की सूरत में बीमारों को आइसोलेशन और सेहतमंद अफराद को क्वारंटीन में रखना चाहिए। राइटर्स मैगजीन के मुताबिक बीजिंग के वायरस प्रिवेंशन वर्किंग ग्रुप ने बीजिंग में ये कानून नाफिज करवा दिया है कि जो कोई शख्स बीजिंग पहुंचेगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन यानी कि बीमारों से अलहदा रखा जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस अब तक एक लाइलाज मर्ज है, इसीलिए इससे बचाव के लिए आइसोलेशन और क्वारंटीन की तदाबीर ही वाहिद जरिया है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये तिब्बी इकदाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऐन मुताबिक हैं? रियादुस सालिहीन किताबुल उमूर नहीं किताब नंबर 18 की हदीस नंबर 1792 में उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि अकायद जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर तुम्हें खबर मिले कि किसी इलाके में ताउन फैल गया है तो उस इलाके में दाखिल ना हो, और अगर ताउन तुम्हारे इलाके में फैल जाए तो वहाँ से मत भागो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इस हदीस में ताउन से मुराद हर वो वबाई मर्ज है जो बहुत तेजी से फैले और जिसमें कई अफराद यकायक बीमार हो जाएं। इस हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो हिदायत दी हैं। एक हिदायत उन लोगों के लिए है जो सेहतमंद है और बीमारी के इलाके से दूर है कि ऐसे सेहतमंद अशखास को वबाई मर्ज के इलाके में दाखिल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही तसव्वुर क्वारंटीन का भी है कि सेहतमंद अफराद को बीमारी के इलाके से दूर रखा जाता है। दूसरी हिदायत उन लोगों के लिए है जो वबाई मर्ज के ही इलाके में मौजूद हैं। ऐसे अशखास को उस इलाके को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आइसोलेशन का भी है कि बीमार अशखास को सेहतमंद अफराद के इलाके में जाने से रोका जाए। सुभान अल्लाह। तो देखा आपने कि आज के दौर के ऐसे वबाई अमराज जिनका इलाज साइंस भी अब तक तलाश नहीं कर पाई है, उन बीमारियों से भी बचाव की तदाबीर हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी अहदीस में मौजूद है। इसी के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात आपको याद दिलाता चलूं, जिंदगी में कितनी मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हमेशा तवक्कल करते रहें और मुस्कुराते रहें। सुन्नत भी है और सदका जारिया भी। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज मी डॉक्टर मुजीम शेद साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।